नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा और गुड न्यूज टुडे पर आप खास देख रहे हैं रक्षाबंधन के त्यौहार पर ये विशेष कार्यक्रम। आपको बता दें कि भाई बहन के अटूट प्रेम, भरोसे, वात्सल्य और एक दूसरे की रक्षा का त्यौहार होता है रक्षाबंधन। लेकिन इस बार रक्षाबंधन पर 700 साल बाद पंचयोग का महासंयोग आया है, जिसे बेहद खास माना जा रहा है। हमारे इस खास कार्यक्रम में इन पंचयोगों के इस महासंयोग के बारे में हम जानेंगे। साथ ही आप में से कई लोग इस फिक्र में भी होंगे कि इस बार रक्षाबंधन पर अपनी बहन को क्या उपहार दें, तो हम आपको बताएंगे आपकी राशि के मुताबिक कि क्या उपहार देना आपकी बहन के लिए इस बार शुभ होगा। साथ ही बात करेंगे राखी के भद्रा कनेक्शन की भी, जिसमें हम रक्षाबंधन की तिथि को लेकर उत्पन्न हुए भ्रम की स्थिति का भी समाधान आपके सामने रखेंगे। यही नहीं, रक्षाबंधन कैसे और कब मनाएं, क्या होगी पूजा की विधि, ये सब हम आपको बताएंगे इस खास कार्यक्रम में। तो आप बने रहे हमारे साथ। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत बड़ा पैनल मौजूद है, तो आपको परिचय करा दें। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य वान्या आर्या, ज्योतिष आचार्य प्रतीक भट्ट जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ रहे हैं, पंडित दिवाकर त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवाकर जी बहुत स्वागत है आपका। ज्योतिष आचार्य नंदिता पांडे जी हमारे साथ जुड़ रही हैं और साथ ही ज्योतिष आचार्य जेपी सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस समस्या को लेकर जो हर किसी के दिलो दिमाग में इस वक्त है कि भाई राखी हम 30 तारीख को मना रहे हैं या फिर 31 तारीख को मना रहे हैं। तो वाना जी, सबसे पहले तो इस समस्या का समाधान करें और ये बताइए कि राखी दरअसल है किस दिन। श्वेता जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शन है कि राखी 30 को मनाएं या 31 को मनाएं। तो देखिए, यहाँ पर इस बार जो है राखी पर भद्रा लग रही है। अब आप पूछेंगे कि भद्रा कौन है। भद्रा जो है वो शनिदेव की बहन है और सूर्यदेव की पुत्री है। भद्रा के टाइम पर, क्योंकि ये पृथ्वी लोक की भद्रा है, भद्रा के टाइम पर हम कोई भी शुभ कार्य जो है नहीं करते हैं। अब भद्रा के टाइम पर, इस टाइम पर, इस दिन जो भी अभिजीत मुहूर्त है जो 30 तारीख को, उसमें भी राहु काल लग रहा है, तो वो टाइम पीरियड जो है वो भी आपका ओवरलैप हो गया। इसलिए इस दिन जो है आप राखी मनाएंगे, लेकिन 9:03 पर शाम को जब भद्रा समाप्त हो रही है, 9:01 है, 9:03 से लेकर 10:26 तक, अगर उस ड्यूरेशन में किसी कारणवश आप नहीं कर रहे हैं, तो अगले दिन सुबह 7:07 तक, मैं फिर से रिपीट करती हूँ टाइमिंग, 9:03 शाम के 9:03 PM से लेकर मॉर्निंग 7:07 AM तक आप मना सकते हैं, जब तक पूर्णमासी समाप्त नहीं होती है। इस पूरे ड्यूरेशन में आप मनाएं। बाकी 31 तारीख को मेरे हिसाब से आपको इसे नहीं मनाना चाहिए, जो इसकी 30 तारीख हमारी स्केड्यूल डेट है उसी पर मनाना चाहिए, सिर्फ भद्रा का पीरियड जो है वो अवॉइड। लेकिन वारे जी, इस बीच में कई ज्योतिषाचार्यों को सुन रही थी और आपस में भी कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा मतभेद मुझे देखने सुनने को मिला, लेकिन अपने पास इतना बड़ा पैनल है तो हम हर किसी से जान लेते हैं। दिवाकर जी, आपसे यहां पर समझना चाहेंगे कि ये जो एक भ्रम की स्थिति भी पैदा हुई है 30 और 31 तारीख को लेकर, आखिर ये भ्रम की स्थिति क्यों पैदा हुई है? जी नमस्कार, रक्षाबंधन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूर्णिमा तिथि है उसको लेकर है थोड़ा बहुत समय का अंतर, साथ ही में भद्रा की स्थिति को लेकर ही तनाव है, बाकी कोई तनाव की स्थिति नहीं है। देखिए, काशी के पंचांगों के अनुसार अगर हम देखते हैं तो पूर्णिमा तिथि का जो आरंभ हो रहा है वह 30 अगस्त 2023 को दिन में 10:13 के बाद से आरंभ हो रहा है। कुछ पंचांगों में 10-5 मिनट का आगे पीछे का अंतर है, लेकिन काशी के पंचांगों के अनुसार अगर बात करें, क्योंकि मध्य है, जो मध्यान्ह रेखा है वो यहीं से जाकर बीत जाती है, इस कारण से काशी को थोड़ा सा एथेंटिक माना जाता है, जैसा कि आप सब भी जानते हैं। तो सुबह 10:13 के बाद से जैसे ही पूर्णिमा तिथि आरंभ हो रही है वैसे भद्रा लग जा रही है, और भद्रा रात में 8:57 तक है, कहीं कहीं पर 9:01 तक दिया हुआ है, लेकिन जैसे भद्रा समाप्त होगी तभी रक्षाबंधन का कार्य हो सकता है। और इसी पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि का मान अगले दिन यानी 31 तारीख को बताया जा रहा है 7:46 तक, तो 7:46 से पहले पूर्णिमा तिथि में रक्षाबंधन का कार्य हो सकता है। अब बात यह आती है कि 2 घड़ी के पहले अगर समय है 2:24 तक यदि पूर्णिमा तिथि अगले दिन नहीं व्याप्त हो रही है, तब उस स्थिति में क्या करें?
तो ऐसे में जब तक पूर्णिमा का मान है, चूंकि इस बार भद्रा के कारण बहुत तिथि का ह्रास हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा समय का, इसलिए 8:57 रात के बाद से, लगभग 9 बजे के बाद से लेकर अगले दिन 7:46 के बीच तक अगर हम रक्षा बांधने का काम करें तो कर सकते हैं। इसमें बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें भी शुभ चौघड़िया प्राप्त हो जाए। जैसा कि मान्य जी ने बताया कि जी रात में 9 बजे से लेकर के 10:30 के बीच में एक अच्छा संयोग है, उसमें बांध सकते हैं, और 31 तारीख की सुबह में भी आप बांध सकते हैं। बिल्कुल जहां तक कि श्रावणी उपाकर्म की बात है, तो श्रावणी उपाकर्म हमेशा उदयकालिक पूर्णिमा तिथि में मनाई जाती है, तो वो 31 तारीख को मनाई जाएगी। इस कारण से 31 तारीख को भी सुबह के समय में आप रक्षाबंधन बांध सकते हैं, परंतु जो मूल जो समय है वह 30 तारीख को ही है। बिल्कुल विवाद की स्थिति मात्र इतना है, पंचांगों में 10-5 मिनट के अंतर की वजह से और कोई विवाद की स्थिति नहीं। बिल्कुल प्रतीक भट्ट जी हमारे साथ मौजूद है। प्रतीक जी, यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे कि हिंदू धर्म के मुताबिक हम जो हैं उदिया तिथि को ही मानते हैं। जिस दिन जी जैसे सूर्य उदय होता है और उस दिन जो तिथि होती है उसको हम मानते हैं, उसी अनुसार हम जो भी पर्व है, जो भी व्रत है वो हम करते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 31 तारीख को क्या आपको लगता है कि वो बेहद शुभ समय या शुभ दिन है राखी बांधने का? सर्वप्रथम रक्षाबंधन की सबको शुभकामनाएं, देशवासियों को शुभकामनाएं। लेकिन आपके प्रश्न पे आने के पहले थोड़ा सा क्लियर करूंगा जी कि भद्रा है क्या। भाई भद्रा मान्या जी ने बताया है क्या, लेकिन भद्रा में आखिर क्यों शुभ कार्य नहीं करते हैं? क्योंकि कहा जाता है इस दौरान शिव भगवान तांडव कर रहे होते हैं। और भद्रा में रक्षाबंधन से जुड़ी एक कथा भी हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है। कहते हैं रावण की बहन ने भद्रा काल में रावण को राखी बांधी थी और उसी साल श्री रामचंद्र, भगवान रामचंद्र ने उनका वध कर दिया था। इसलिए भद्रा काल में तो राखी बांधनी ही नहीं है। अब आपका दूसरा प्रश्न कि भाई उदया तिथि के अनुसार तो 31 पूरा हुआ, आज की डेट में मैं बात करूं अगर श्वेता जी, ये इशू हर दूसरे त्यौहार में हो गया है। क्योंकि उदया तिथि को कुछ लोग मान रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं भाई 7 बजे खत्म हो गई है। तो ये तो तय है भद्रा काल में नहीं बंधेगी। अब 9:05 30 तारीख को भद्रा खत्म हो रही है, रात्रि काल में कहा जाता है शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, लेकिन वस्ट केस में आप कर सकते हैं। तो मेरे अनुसार 9:05 30 तारीख के बाद आपको राखी बांध लेनी चाहिए। अब 31 को भी बांध सकते हैं, लेकिन जब तक पूर्णिमा तिथि है सिर्फ तब तक, क्योंकि प्रतिपदा में मना ही है। यहां पर एक प्रश्न है कि उदया तिथि तो पूर्णिमा की है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा आपको ईश्वर सुबह 5:58 से 7:05 तक का समय 31 अगस्त को दे रहे हैं। अगर रात्रि में नहीं कर पाते तो इस दौरान कर लें, अननेसेसरली मानसिक तनाव और तनाव से ना ग्रसित हो, क्योंकि आप जितने लोगों से मिलेंगे उतनी बातें होंगी। कोई कहेगा 30 को गलत कर लिया, कोई कहेगा 31 को गलत कर लिया। तो इसलिए रात्रि को 9:05 के बाद 1-1.5 घंटे के अंदर बांध लीजिए, 10:15 के पहले पहले, या फिर सुबह 5:58 जब सूर्योदय हो जाए से जी 7:05 तक राखी बांध लीजिए। इसमें कोई शंका नहीं है, और मुझे लगता है रात्रि का 1-1.5 घंटा, सुबह का 1.5 घंटा बहुत होता है राखी के त्योहार मनाने के लिए। बिल्कुल। नंदिता जी भी हमारे साथ बनी हुई है। नंदिता जी, ये बताइए कि एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, जो आपकी गणना है वो क्या कहती है? लगभग 700 साल बताया जा रहा है कि लगभग 700 साल के बाद ये पंच योग बन रहा है, ये महासंयोग बन रहा है, ये किस तरह का संयोग है? देखिए, संयोग तो बन रहा है पर केवल 30 तारीख को नहीं बन रहा है, क्योंकि इस समय बुधादित्य योग है, गजकेशरी योग चल रहा है, साथ ही साथ शश नामक महापुरुष योग चल रहा है, यानी शनि अपनी राशि में। लेकिन अगर उसको गूढ़ता से देखा जाए तो शनि वक्री चल रहे हैं, गुरु भी कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, गुरु और राहु साथ में है, तो ये कहने की बात है कि हाँ इतने 5 महायोग चल रहे हैं इस समय। जो सबसे ज्यादा एक सुझाव जो रहेगा, देखिए बोला जाता है जो भद्रा में नहीं करे, लेकिन कभी कभी स्क्रिप्चर्स में यह भी लिखा गया है कि अगर कोई टाइम अवेलेबल नहीं हो तो भद्रा की पूंछ में भी आप कर सकते हैं, है ना। वो एक दिया जाता है, क्योंकि भद्रा ऐसा नहीं कि बिल्कुल नेगेटिव होती है। भद्रा तंत्र मंत्र के लिए बहुत अच्छी होती है, भद्रा युद्ध के लिए बहुत अच्छी होती है, भद्रा अग्नि कार्य करने के लिए बहुत अच्छी होती है, भद्रा सर्जरी आदि करने के लिए बहुत अच्छी होती है, जिसमें भी चाकू छुरी वगैरह कुछ भी चलाए, वो सारी चीजों के लिए भद्रा बहुत अच्छी होती है, वॉर जोन के लिए बहुत अच्छी होती है, उस समय भद्रा का कार्य करा जाए तो बहुत शुभ माना जाता है। तो केवल भद्रा को एक डरावनी सी स्थिति बना करके करना वो उचित नहीं है। पर हाँ, ये भी है कि निर्णय सिंधु में ये भी लिखा है कि भद्रायाम द्वे ना कर्तव्यम
श्रावणी फागुनी तथा यानी कि श्रावण की पूर्णिमा और फागुन की पूर्णिमा में भद्रा का विचार करना आवश्यक है, उसको जरूर आप ध्यान में रखें और तप करिए। जैसा जो समय बताया है वो तो किया है, लेकिन अगर हम देखें मॉर्निंग की उदयातिथि तो 10:48 तक अगर आपकी पूर्णिमा वहां से शुरू हो रही है तो आपकी चतुर्दशी तिथि मान्य होगी उदया तिथि के हिसाब से ऑन द 30th of August। और 31st को केवल अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो जी दिल्ली में 3 मुहूर्त होने चाहिए और 3 मुहूर्त में 4 मिनट कम पड़ रहे हैं। तो 31st एक पूर्णिमा तिथि तक का तो अच्छा है, लेकिन प्रतिपदा भी है। तो ये जो इस समय जो बहुत ज्यादा एक दुविधा का समय है, और ऐसा नहीं कि रात्रि को आप बांध नहीं सकते, विवाह आदि संस्कार में रात्रि को आप कलावा बांधते हैं, आप बहुत सारे ऐसे संस्कार ऐसे भी होते हैं जिसमें रात्रि को कलावा बांधना उचित माना जाता है, जी स्थिर लग्न में बांधना उचित माना जाता है, तो ये सारे नियम भी पालन किए जाते हैं। तो इतना अपने दिमाग में, राखी में क्या है, रक्षा सूत्र है, आप अपने भाई को उस तरह से रक्षा सूत्र बांध रहे हैं कि डिवाइन एनर्जीज हो। और इसका बिल्कुल एक बहुत सुंदर तोड़ मैं आपको बताती हूँ क्विक इन टेन जी सेकेंड्स कि अगर मान लीजिए आपको इतनी सारी दुविधा पड़ रही है, आज त्रयोदशी तिथि है, अभी भी चल रही है, आप क्या करिए, त्रयोदशी तिथि के दिन या किसी भी तिथि के दिन आप शिव जी के सामने रक्षा सूत्र रखिए, अपनी राखी रखिए और उनसे जी कहिए कि हे भोलेनाथ हमारे आपकी सनातन कृपा धर्म रहे में देखिए और हर आपकी चीज स्वास्थ्य का सब। उपाय है, ये हम सभी मानते हैं, तमाम पंडित तमाम आचार्य जो यहाँ पर मौजूद हैं वो इस बात को जानते समझते हैं। आचार्य जेपी सिंह जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जेपी सिंह जी, अभी जिस तरह से नंदिता जी बता रही थी कि भद्रा तिथि या फिर अगर भद्रा लगती है तो हमेशा वो गलत या फिर खराब ही नहीं होता है, लेकिन इस बार बताया ये भी जा रहा है कि भद्रा जो है वो सम्मुख है, और आप हमें विस्तार से बता सकते हैं कि अगर कहते हैं कि अगर सम्मुख होता है तो उसमें हम नहीं शुभ कार्य करते हैं, तो ज्योतिष इसे कैसे समझते हैं या समझा सकते हैं लोगों को? सबसे पहले सादर प्रणाम और आपको हार्दिक शुभकामनाएं रक्षा बंधन की। और मैं सुन रहा था कि सबने ही बहुत अच्छे तरीके से बताया, नैनीताल जी ने जिस तरह विस्तार पूर्वक बताया मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये ज्ञानवर्धन है। और मैं जानता हूं कि GNT एक ऐसा चैनल है जो विस्तार पूर्वक अपने दर्शकों को ज्ञान देता है। तो जहां तक भद्रा का बात है, तो भद्रा है क्या और भद्रा कार्य कैसे कर रही है हमें समझना है। और ये खाली रक्षाबंधन को ही हम भद्रा क्यों देख रहे हैं, बाकी दिन क्यों नहीं देख रहे हैं? देखिए, भद्रा 3 स्थानों पर है, स्वर्ग लोक पर, पाताल में और मृत्यु लोक में। जब ये मृत्यु लोक में है तब इसकी विशेषता यह है कि इस समय में किसी तरह का भी गठबंधन, किसी तरह का भी यहाँ रक्षा सूतक या किसी चीज की शुरुआत नहीं करी जाएगी। भद्रा का शाब्दिक अर्थ अगर सरलतम रूप में लें तो भद्र, जिसे कहते हैं अच्छा नहीं माना जाता या अशुभ माना जाए या कहे बुरा है। अब ऐसी स्थिति में रक्षा सूतक बांधना, भाई को रक्षा सूतक बांधना शुभकामनाओं के साथ में अपनी रक्षा के लिए शुभ नहीं माना जाता। तो जहां मुहूर्त मेरे बताने की जरूरत नहीं है, वान्या जी ने बड़े विस्तार से बताया, यहाँ पर बाकी मेरे मित्रों ने बहुत अच्छे से बताया, तो मैं उस मुहूर्त की बात नहीं करूंगा। मैं यहाँ कहूंगा जैसे हम अग्निवास देखते हैं हवन के लिए, ये भी महत्वपूर्ण रखता है कि जहाँ अग्नि पृथ्वी पर है, भूत पाताल में है, आकाश में है, ये अगर हम नहीं देख रहे हैं तो वह भी अशुभ होता है। तो ये शास्त्रों का ज्ञान आज हमारे सामने क्यों आ रहा है कि आज टेक्नोलॉजी का इतना विस्तार है कि आज ये बातें बहुत जल्दी शेयर होती है। पहले भी था, ये नहीं कि पहले भद्रा नहीं लगती थी। आज मजाक उड़ाया जाता है कि हर त्योहार 2-2 दिन मनाया जा रहा है। सब ये हमारा कंफ्यूजन है, हम टेक्निकली समझ नहीं रहे हैं, जिस वजह से वो 2 दिन दिखाई दे रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। वह 2 दिन नहीं है, वो समय विशेष की महत्ता बढ़ गई है, क्योंकि हम एक्यूरेसी की तरफ बढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी कहती है, ज्ञान कहता है कि आप एक्यूरेट टाइम को चूज करिए। पहले हम अनजाने में अंभिज्ञ होकर कोई भी समय चूज कर लेते थे, या हम उसको मान लेते थे कि सूर्य उदय तिथि है इसलिए हम इसको कर रहे हैं। जैसे सूर्य उदित चंद्रमा की अगर हम बात करें तो कल सुबह 10 बजे हमें पूर्णिमा मिल रही है, हम कर सकते हैं, पर भद्रा की वजह से वो निषेध है। तो हमें ये समझना होगा कि ये विशेषता क्यों निषेध है और हम क्यों इसको 2 दिन मान रहे हैं। और जैसे बताया गया कि यहाँ पर अगर आप सुबह के समय बांध लें तो सबसे अति उत्तम है। कारण क्या है, मैं अपने घर में भी देखता हूँ और प्राचीन सभ्यता के अनुसार माताएं बहनें जो हैं व्रत रख कर अपने भाई को राखी बांधती हैं। बिल्कुल, और ऐसी स्थिति में रात्रि के समय तक व्रत रखना संभव नहीं है। तो बेहतर है कि आप 31 तारीख सुबह 5 बजे से 7 बजे का समय यहाँ चूज करिए और उसमें राखी बांधिए, क्योंकि व्रत रखने की जो संस्कृति है वो भी आसान हो जाएगी और आप शुभता से राखी बांध पाएंगे और ये सबसे उत्तम योग होगा उस समय।
जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। संजय जी, आप भी लगातार सुन रहे थे कि किस तरह से हम बात कर रहे हैं कि आखिर ये जो कंफ्यूजन है 30 और 31 तारीख का, वो क्या कंफ्यूजन है, भद्रा तिथि क्या होती है, लोगों के मन में किसी तरह का भय या संशय या डर ना रहे, उसको जीएनटी गुड न्यूज टुडे जो है लगातार मिटाने की कोशिश कर रहा है यहां पर। तो संजय जी, आप ये बताइए कि अगर हम ये माने उदया तिथि, हिंदू धर्म में हम उदया तिथि को मानते हैं, तो 31 को ही अगर सुबह सुबह कोई रक्षा बंधन रक्षा सूत्र बांध रहा है, तो कहते हैं, कोई कहता है कि आप श्री कृष्ण को पहले रक्षा सूत्र बांधे, उसके बाद अपने भाई को आप बांधे, कोई कहता है श्री गणेश को आप पहले बांधे, तो क्या माना जाए, कैसे शुरुआत रक्षाबंधन की जाए? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है और सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज जो तिथि है, कहते हैं कि भद्रा को लेकर के बड़ी चर्चा चल रही है हमारे देश में और जीएनटी पर भी, पर भद्रा जो शब्द है, कहते हैं भद्र भद्रम करने भी श्रृणुयाम देवा, भद्रम पश्ये मां भृजचित्रा स्त्री रंगई सुतृष्टवा। तो ये मंत्र जो है, कहते हैं कि हमें जो है भद्र और भद्रा दोनों शब्द में अर्थ समझने की आवश्यकता है। और हमारे शास्त्रों में कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो सूर्य उदय तिथि से ही देखा जाता है, चाहे कोई भी शुभ कार्य हो, और जिस उदय तिथि में जो तिथि पड़ती है उसी के हिसाब से जो है हमें त्योहार को मनाना चाहिए। और आज जो रक्षाबंधन का त्योहार है, काफी ज्यादा कंफ्यूजन चल रही है, तो 31 तारीख को ही मैं कहूंगा कि मनाया जाए, क्योंकि उदय तिथि जो है 31 तारीख को ही है। और उसके पहले की तिथि आप देखें कि पहले दिन जो है भद्रा जो है सुबह 9 बजे के 10 बजे के आसपास में भद्रा प्रारंभ हो रही है, और भद्रा रात्रि के समय तक रहेगी, पर रात्रि को रक्षा सूत्र नहीं बांधा जाता। और एक मंत्र आता है, ओम ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, तो ये मंत्र आता है, तो उसमें भी जो है रक्षा सूत्र के बारे में जो बताया गया है, राखी के त्योहार के बारे में जो बताया, रक्षा सूत्र के बारे में बताया है, क्योंकि रक्षा सूत्र हमारे जीवन में एक खुशी का प्रतीक है, कहते हैं कि एक स्नेह का प्रतीक है कि बहन भाई को राखी बांधती है। आप जिससे स्नेह करते हैं, जिससे प्रेम करते हैं, जो आपके जीवन में सबसे ज्यादा प्रिय है भाई के रूप में, कैसे कहते हैं कि भगवान कृष्ण को राखी बांधी या गणेश जी को राखी बांधी आपने पूछा, तो आज का जो त्योहार है, क्योंकि साक्षात जो है कोई भी भगवान जिसकी आप पूजा करते हैं और बहुत ज्यादा जिस भगवान में आपकी श्रद्धा और आस्था है, और सबसे पहले देवों में गणेश जी की पूजा होती है आपको मालूम है, और तभी कहा जाता है गजानन भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम ओमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वराय पाद पंकजम। तो गणेश जी को सबसे पहले मेरे हिसाब से राखी बांधनी चाहिए, क्योंकि विधि तो बहुत सारी है, परंतु भगवान गणेश की पूजा सब में पहले होती है, इसीलिए जो गणेश जी को ही रक्षाबंधन बांधना चाहिए, उसके बाद में आप भाई बहन और जो भी मित्र हैं और राष्ट्र अध्यक्षों को भी, मैं कहूंगा हमारे यहाँ परंपरा है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को भी लोग राखी बांधने के लिए जाते हैं, या जो आपके जीवन में विशिष्ट व्यक्ति है जिसका आप बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं उसको भी आप रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। ये प्रेम और स्नेह का प्रतीक है, और इसमें यही सिखाता है कि हमें सबके साथ प्रेम रखना चाहिए, और रक्षा सूत्र एक ऐसा बंधन है जिसको बांधने से, बहन अगर भाई को बांध देती है तो भाई सदा रक्षा करता है। और आज के दिन मैं कहूंगा कि हमारे सैनिकों को जो है रक्षा सूत्र बांधना चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की, हमारी सबकी रक्षा कर रहे हैं, और सबको ये राखी का त्योहार बहुत बहुत बिल्कुल मुबारक हो। कई ऐसी खबरें भी आती है जिसमें हम दिखाते हैं कि लोग जो है पेड़ों को राखी बांधते हैं और पर्यावरण की रक्षा सुरक्षा का उस दिन प्रण लेते हैं, तो इस तरह की बहुत सारी अच्छी अच्छी खबरें भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पंच तत्व जो है, पांचों तत्व जो है, भूमि गगन जल वायु अग्नि आकाशी, पांचों जो तत्व हैं हमारे जीवन के अंदर, और जो पेड़ पौधे भी हैं हमारे जीवन के अंदर, उनको हमारे शास्त्रों में परंपरा रही है, कहते हैं हम पत्थर की पूजा भी करते हैं, हम पेड़ की पूजा भी करते हैं, जल की पूजा भी करते हैं, और आप देखें जब विवाह होता है तो उसमें ध्रुव दर्शन कराया जाता है अटलता के लिए, और आकाश के दर्शन भी करवाते हैं, क्योंकि आकाश तत्व की पूजा भी हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखी गई है कि पांचों तत्वों की पूजा से ही हमारी पूरी विधि पूर्ण होती है। तो चलिए, शुरुआत हमने कही कि शुरुआत जो है श्री गणेश से होनी चाहिए, क्योंकि हम मानते हैं हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में इस बात को माना जाता है कि किसी भी पूजा से पहले, किसी भी शुभ कार्य से पहले, सबसे पहले श्री गणेश का हम स्मरण करते हैं। तो इसीलिए रक्षाबंधन के दिन जितनी भी बहनें हैं सबसे पहले श्री गणेश को रक्षा सूत्र बांधे और उसके बाद ही अपने दिन की शुरुआत करें। वान्या जी, आपके पास आते हुए ये समझना चाहूंगी
चाहूंगी कि शुरुआत तो हमने मान लीजिए कर दी, लेकिन कर्म कांड जो है कहीं ना कहीं वो काफी अहमियत रखती है। हम समझते हैं और मानते हैं इस चीज को सनातन धर्म में, जो लोग भी आस्था रखते हैं। तो खास करके जो रक्षाबंधन की थाली हो, वो इस बार किस तरह की थाली हो, बहनें उस थाली में क्या क्या रखें, क्या क्या सजाएं, ताकि उनके जो भैया हैं उनका शुभ और मंगल हमेशा हो। श्वेता जी, रक्षाबंधन की जो थाली है उसके अंदर जो है बहुत आप उसे प्यार से, दिल से, श्रद्धा से सजाएं। अपने भाई के लिए आप ऐसा सोचिए कि आप ब्लेसिंग्स इकट्ठी कर रहे हैं जब भी आप उस थाली को बना रहे हैं। उसमें कुछ पुष्प होने चाहिए, कुछ मिठाई होनी चाहिए, तिलक होना चाहिए, थोड़े से उसमें चावल होने चाहिए, आपकी राखी होनी चाहिए। ध्यान रखें कि जो राखी है वो ब्लैक कलर की ना हो, काले रंग की ना हो अगर पॉसिबल है तो। कुछ मीठा रख सकते हैं, कुछ आप उसमें ड्राई फ्रूट रख सकते हैं। तो ये सब चीजें करके और थोड़े से पुष्प जो भी आपको भाई के ऊपर डालने, और एक हैंकी जरूर रखना है, क्योंकि जब भी हम भाई को राखी बांधते हैं तो ऐसी मान्यता है कि सिर जो है वो भाई का सिर ढका होना चाहिए। अच्छा, इसके पीछे की भी क्या मान्यता है वाणी जी, साथ ही साथ आप ये भी बता दें, क्योंकि कई लोग देखते तो हैं लेकिन जानते नहीं है इस बात को। देखिए, जो जैसे कोई भी हम पूजा करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, तो एक प्रेफरेंस होती है कि जो हमारा सिर जो है वो ढका होना चाहिए। और इसके पीछे एक ये भी लॉजिक है कि जैसे हम मंदिर में भी जाते हैं तो हम ईश्वर के सामने जब बैठ रहे हैं तो आइडली हमें एक ढंग से तैयार होके, साफ सुथरे, यानी अपनी श्रद्धा जो है वो हम व्यक्त करते हैं। हाँ, ईश्वर के प्रति एक ग्रेटिट्यूड है कि हाँ हम मतलब अब भगवान के पास अपने भाव लेकर आए हैं। अब हम कहीं भी जाते हैं तो हम तैयार होके जाते हैं, तो हमें भगवान के पास भी जो है अपनी आस्था के साथ, लेकिन थोड़ा सा ढंग से एक डेकोरम में जाना चाहिए। चाहे हम मंदिर भी जा रहे हैं तो वहां पर आप ये सब चीजें जो है पूजा की थाली में रखिए, भाई का सिर ढके। उसके बाद जब भी आप भाई को राखी बांधते हैं तो वहां पर जो है आप 11 बार गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। एक और बात मैं जीएनटी के माध्यम से जरूर बोलना चाहूंगी कि जैसा कि अभी संजय जी ने भी बताया कि गणेश भगवान को जो है हमें पहली राखी बांधनी है, क्योंकि गणेश जी जो होते हैं हमारे जीवन में विघ्नहर्ता होते हैं। लेकिन इसके अलावा जैसे कि कुंडली में मंगल को भी हनुमान जी से देखा जाता है, ब्रदर्स को रिप्रेजेंट करते हैं हनुमान जी, तो आप हनुमान जी को भी राखी जरूर बांधें। आप एक लाल राखी जो है हनुमान जी को जरूर बांधनी चाहिए। इस दिन राम सीता की और हनुमान राम सीता जी की पूजा जो है आपको जरूर करनी है। हनुमान चालीसा आप जरूर करें। हनुमान जी जीवन में हमेशा हमारी रक्षा करते हैं, उन्हें हम अपने भाई का रूप कहते हैं। जब भी हम कहीं भी कष्ट में होते हैं तो एक कहावत आपने सुनी होगी, गणेश मिठाई कलेश, या फिर हनुमान चालीसा का एक वो है कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। तो हनुमान जी जब हमारे जीवन में संकट मोचन है, जब हम हर दिन उनको याद करते हैं, तो हम रक्षाबंधन पर उनको राखी क्यों ना बांधे, हमें जरूर बांधनी चाहिए। अगर आपके भाई आपसे दूर है किसी भी कारणवश, तो आप विष्णु भगवान को एक पीले रंग का धागा जो है जरूर बांधे, क्योंकि आजकल बहुत लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज की वजह से बाहर है, नई भाई से मिल सकते हैं, या आप राखी कुरियर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप सिंपल आप विष्णु भगवान को एक येलो कलर का धागा बांध दीजिए। गणेश भगवान को जो राखी बांध रहे हैं वो आप हरे रंग की बांधिए। कोशिश कीजिए हनुमान जी को आप लाल रंग की धागे और राखी बांधिए, और शिव भगवान को आप सफेद रंग की राखी बांधिए, और साथ में खीर जो है खीर का भोग आपको जरूर लगाना है। और एक बात, अपने भाई को जब भी आप राखी बांध रहे हैं तो उसके जीवन में एक उसको राइट विजडम आए, उसको एक अच्छी बुद्धि आए, वो फले फूले अपने जीवन में, प्रॉस्पेरिटी आए, सक्सेस आए, उसकी लंबी आयु आए, और भगवान से उसके लिए एक अच्छी आप शिक्षा मांगे, तो अच्छी ब्लेसिंग्स आप उनको अच्छे मैसेजेस के साथ कन्वे करें, तो ही वो एक्चुअल राखी है। और भाइयों को भी ये त्योहार जो है अपने कर्तव्यों को याद दिलाता है रक्षाबंधन, कि उनके जो भी अपने सिस्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एज अ रक्षा कवच, वो उनकी हमेशा हर पल हर क्षण अपनी बहनों की रक्षा करें। आचार्य दिवाकर जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दिवाकर जी, यहां पर आपसे समझना चाहेंगे, आज के दिन जो बहनें तैयारी कर रही हैं अपने भाई को राखी बांधने की, या फिर वो दूसरे दिन यानी कि 31 तारीख को भी अगर वो राखी बांधने की सोच रही हैं, तो ऐसे में किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए रक्षाबंधन से पहले, रक्षा सूत्र बांधने से पहले? देखिए, सबसे पहले बात यह है कि एक विधि है, क्योंकि यह रक्षाबंधन का पर्व बहुत बड़ा पर्व है, बहुत महान पर्व है। एक तो हो गई बात समय की, दूसरी बात है किन विधियों से बांधना है, उसका एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए। प्रॉपर तरीका यह है
कि जो भी हम थाल सजाएं, जैसा कि पंडित जी ने बताया बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा इसकी विधियों के बारे में कि सबसे पहली बात, जब थाल को सजा लेते हैं जिसमें रोली, चंदन, अक्षत, घी, रक्षा सूत्र और मिठाई रख लेते हैं, घी का दीपक रख लेते हैं जो जिससे भाई की हम आरती कर सकें, तो सबसे पहले पूजा स्थल पर बैठ करके इष्ट देव को याद करें, भगवान गणेश को याद करें, हनुमान जी महाराज को याद करें, भगवान शिव को याद करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जप जरूर कर लेना चाहिए। शिव जी के मंत्र का कोई न कोई मंत्र लेकर के जप जरूर कर लेना चाहिए ताकि एक भावना आ जाए, एक सकारात्मकता आ जाए बहन के मन में कि जो संकल्प है कि हम जो बांध रहे हैं रक्षा सूत्र, उससे हमारे भाई की रक्षा हो, हमारा भाई सताई हो और ऐश्वर्यवान हो, कीर्तिवान हो, यशस्वी हो, तभी तो हमारी रक्षा कर पाएगा। इस भावना के साथ भगवान शिव के निमित्त ये बात कहें, उनके समक्ष बैठ करके इस बात को कहें, उसके बाद भगवान गणेश को रक्षा सूत्र बांधे, हनुमान जी महाराज को रक्षा सूत्र बांधे, शिव जी को बांधे, विष्णु भगवान को बांधने के बाद फिर भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधें, यह विधि का पालन जरूर करना चाहिए। दूसरी बात, ध्यान ये रखना चाहिए कि इस समय जो वस्त्र पहने काले रंग का, नीले रंग का और सफेद रंग का भाई और बहन न पहने तो ज्यादा अच्छा है, इसमें लाल, पीला, हरे रंग का भी वस्त्र धारण कर सकते हैं, इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए। मन में नकारात्मक विचार नहीं आना चाहिए। और दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है कि भाई धार्मिक पर्व है तो धार्मिकता तो सबके मन में रहती है, फिर भी किसी भी रूप में मांस भक्षण से संबंधित, नकारात्मक विचारों से संबंधित या व्यसन से संबंधित किसी प्रकार के कोई विचार नहीं आने चाहिए, क्योंकि बहुत महान पर्व है। जो हम सोचते हैं, जैसा हमारा मन मस्तिष्क होता है, जैसे हमारे आचरण होते हैं, उसी तरह की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो हमें शुद्ध मन से सात्विकता की तरफ रह करके अपने राशियों के अनुसार, अगर भाई के राशि के अनुसार अगर हम रक्षा सूत्र बांधते हैं तो उसका बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है। यहाँ मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक राशि के अनुसार भी रक्षा सूत्र बांधी जा सकती है, इसमें विशेष रूप से वैसे कोई मना ही नहीं होती है, लेकिन अगर राशि भाई के राशि के अनुसार बांध लें बड़ी अच्छी बात हो जाती बिल्कुल है। उस पर भी हम आएंगे दिवाकर जी, लेकिन नंदिता जी बनी हुई है। नंदिता जी, आपसे कई बार हमने ये जाना है कि खास करके पर्व त्योहार में जब हम कोई भी कर्म कांड कर रहे होते हैं तो डायरेक्शन जो होता है उसका खास महत्व होता है कि किस दिशा में बैठकर राखी बांधनी चाहिए, भाई किस दिशा में हो, बहन किस दिशा में हो, ये सारी चीजें भी जो है जानना समझना बेहद जरूरी है। तो जरा इसके बारे में विस्तार से उन तमाम बहनों को बताएं जो इस वक्त हमें सुन रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये रक्षाबंधन बहुत ही सुंदर पर्व है। पर्व सुंदर क्यों है, क्योंकि बहन जब भाई के हाथ में कलाई में रक्षा सूत्र बांधती है तो उसकी लंबी आयु के लिए दुआ करती है कि इनको एक जैसे महाबली राजा थे उनकी तरह ही उनको बलवान वो हो जाए, उन्हीं की तरह उनको एक अचल, एक मैग्नीट्यूड एंड मैग्निफिसेंस तौर में उनके पास सब कुछ शक्तियां हो, क्योंकि राजा बलि के पास बहुत ज्यादा शक्तियां थी, और उसी तरह से धर्म का पालन करें। तो ये जब वो करती है तो इट इज नॉट जस्ट कि भाई बहन की रक्षा कर रहा है, बहन भी भाई को जब रक्षा सूत्र बांधती है तो इसी एक सोच के साथ बांधती है, और इन रिटर्न भाई बोलता है कि हाँ अगर मैं इस तरह से हूंगा तो मैं आपकी भी रक्षा अवश्य करूंगा। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब रक्षा सूत्र बांधते हैं, पहले तो आपने दिशा बोला, तो भाई को हमेशा पूर्व दिशा की तरफ देखना चाहिए, या फिर अगर पूर्व दिशा नहीं है तो नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखना चाहिए, बट आइडियली ईस्ट की तरफ देखेंगे अच्छा रहेगा, तो बहन ऑब्वियसली उसके ऑपोजिट दिशा में रहेंगी। जब रक्षा सूत्र बांधे तो मुट्ठी खाली नहीं रखते, हाथ में थोड़ा सा अक्षत, थोड़ा सा एक कोई सिक्का और थोड़ी सी हरी दुर्वा घास जरूर रखें, थोड़ा अगर हल्दी उसमें चुटकी पर रख लेंगे। आप ऐसे रख करके मुट्ठी ऐसे बांध के तब रक्षा सूत्र आप बांधे अपने भाई के, उसके बाद उसी अक्षत और उन सबको वापस एक प्लेट में रख लें, और उसका किसी भी दान पुण्य के काम के लिए आप लगा सकते हैं, या अपने घर के खाद्यान्न में वो चावल वापस डाल सकते हैं ताकि घर पे और ज्यादा प्रोस्पेरिटी आए। इस चीज का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। भाई और बहन का ये सुंदर पर्व है, ऐसा नहीं कि आप किसी और को नहीं बांट सकते। अगर हम बहुत सारी माइथोलॉजी में जाएं तो जब देवता और असुरों में जब लड़ाई हो रही थी तो देवता एक समय आ गया था कि हारना शुरू कर रहे थे, और उस वक्त में इंद्राणी जो इंद्र की पत्नी थी वो बहुत तपस्विनी थी, और उन्होंने अपने तप से एक रक्षा सूत्र बनाया और इंद्र को बांधा और बोला कि ये रक्षा सूत्र आप सबकी रक्षा करेगा, और फिर उसके बाद देवताओं की विजय होनी शुरू हुई। तो जिस भी व्यक्ति की रक्षा आप करना चाहते हैं, जिस भी व्यक्ति की आप लंबी आयु की दुआएं करना चाहते हैं, आप अवश्य करें। पहले गणपति को
और भोलेनाथ को करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि भद्रा का जो अनिष्ट हुआ था या नाश हुआ था वो भोलेनाथ के ही प्रहार से हुआ था। उन्होंने ही शनिदेव को बोला कि फाइनली आप ही अब अपनी, मैं आपको ये देता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अब इस भद्रा का विनाश करें। तो तब ब्रह्मा जी ने बीच में आके उस चीज को बैलेंस किया था, उनको एक पूरे पंचांग में एक समय निमित्त करा था सूर्यदेव की, जब जी उन्होंने रिक्वेस्ट करा क्योंकि सूर्यदेव की पुत्री थी। लेकिन भोलेनाथ का जब आप आवाहन करते हैं तो उससे भद्रा भी थोड़ा सा बैकफुट में चले जाती है ये माना जाता है, इसलिए भोलेनाथ को राखी अवश्य बांधे। जैसे वान्या जी बोल रही थी कि सफेद धागे की राखी उन्हें बांधे, तो कच्चे सूत की सफेद धागे की या सफेद जनेऊ भी उनको आप अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आप शुरू करें नारायण को बांधना, तो बहुत ही बोलते हैं पालन करता है, तो पीले धागे से नारायण को बांधे, अष्टगंध लगा करके उनको बांधे, बहुत सुंदर रहता है। लेकिन जब भी करें, चाहे ईश्वर को करें या अपने भाई को करें, तो आप ये देखें कि उनका पूर्वा भी भाई का मुख पूर्व की तरफ रहे और ईश्वर की स्थापना नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रहे। बिल्कुल, प्रतीक भट्ट जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रतीक जी, इसी चीज को ऐड करते हुए आप और क्या क्या बातें हैं जो आप बताना चाहेंगे कि खास करके हमने ये भी देखा है कि आज के दिन बताया जाता है, यानी कि राखी के दिन बताया जाता है कि विशेष रंग जो है वो भी राशिवार अगर आप बहने पहनती हैं या फिर भाई पहनता है तो उसके लिए सही होता है, या फिर राखी के दिन विशेष करके भाई को क्या खिलाना चाहिए, प्रसाद के तौर पर भी घर में क्या बनाना चाहिए जिससे कि शुभ हो और भाई के लिए शुभता पूरे जीवन भर बनी रहे। देखिए सर्वप्रथम तो स्वच्छ तन और स्वच्छ मन से राखी बांधनी चाहिए, यह सर्वथा जरूरी है। दूसरी बात, कुछ आपने कहा बेसिक चीजें इस पर रंग पर तो आएंगे कि भाई सर जरूर ढका होना चाहिए। क्यों कहा जाता है, जब आप पूजा कर रहे हो तो उसके तीन पहलू हैं, वान्या जी ने ऑलरेडी कवर किया लेकिन इस पर मैं कुछ जोड़ना चाहूंगा। तीन पहलू हैं, पहला कि जब आप आराध्य के सामने अपने सर झुका रहे हो तो बाल नहीं गिरना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप सर पर कुछ ढकते हैं, रुमाल रख लेते हैं या कपड़ा रख लेते हैं तो एक सम्मान दे रहे होते हैं ईश्वर को, सामने वाले को। तीसरी चीज, बाल हेयर सबसे ज्यादा नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हैं, कहते हैं इसीलिए उसे ढक के रखना चाहिए। तो ये कुछ बातें हो गई। दूसरी चीज, उस समय स्वस्थ तन स्वस्थ मन मैंने इसलिए कहा क्योंकि भाई अगर स्वस्थ तन और स्वस्थ मन से नहीं बांधेंगे, कहा जाता है चंद्रमा मनसो जातक, चंद्रमा मन का कारक है और मन में ही विकार है उस समय, तो कहीं ना कहीं वो उस समय रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं, ट्रांसफर हो रहे होते हैं। तो इसलिए स्वस्थ तन स्वस्थ मन से बांधे। रक्षा की कामना करते हुए शुभ कलर, शुभ कलर शास्त्रों के अनुसार होता है, रेड येलो व्हाइट का प्रयोग भी कर सकते हैं, हालांकि ब्लू ग्रीन तमाम तरह की राखियां हैं और वो भी बुरी नहीं है। मान लीजिए किसी का शनि प्रधान व्यक्ति है, उनके लिए ब्लू कलर की राखियां बहुत अच्छी है। तो आज की डेट में हमने जयंती के माध्यम से घर घर इतना ज्योतिष पहुंचा दिया है कि सबको अपनी राशि पता है। तो बहुत सिंपल है, अभी जैसे श्वेता जी ने कहा कि हम राशि अनुसार बताएंगे तो मैं उसको नहीं छूंगा, लेकिन अपनी राशि अनुसार राखी बांधे। अब आपने कहा प्रसाद क्या हो, प्रसाद देखिए सब सर्वश्रेष्ठ प्रसाद है खीर बना लीजिए, अक्षत चावल का प्रयोग, ऐसी कोई पूजा ही नहीं है जहां ना होता हो, या दूध का, तो खीर बना लीजिए वो खिलाइए। दूसरी चीज, भाई को जो पसंद हो वो खिलाइए क्योंकि स्वच्छ तन और स्वस्थ मन होना चाहिए। मान लीजिए आप ऐसी मिठाई लेके जा रही हैं जो उन्हें नहीं पसंद है तो कहीं ना कहीं वो चीजें ठीक नहीं है। सेम अप्लीकेबल भाई के लिए भी होता है कि उन बहन को जो पसंद हो वो भेंट जरूर करें क्योंकि स्वस्थ तन स्वस्थ मन इससे भी होगा। तो बहनों से पहले ही पूछ लिया जाए कि भाई इस बार क्या आपको चाहिए और उस हिसाब से उन्हें गिफ्ट वो दे, साथ साथ उन्हें गिफ्ट दे, कुल मिला के भाई भी खुश रहे और बहन भी खुश रहे, हम तो यही जानते हैं। जेपी सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं। जेपी सिंह जी, चूंकि अब वक्त की भी कमी है तो हम जल्दी जल्दी जानना चाहेंगे कि राशिवार अगर आप बताएं कि राशिवार इस बार जो है किस तरह से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहिए, तो आप शुरुआत मेष राशि से कर सकते हैं। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए मेष राशि के जातकों के लिए सबसे उत्तम समय है और अगर बहनें उनकी कामना करती हैं कि उनकी वृद्धि हो तो लाल रंग की राखी बांधें और साथ में जैसे हम अक्षत और कुमकुम का तिलक करते हैं, अगर गुड़ से उनका मुंह मीठा कराएं तो बहुत उत्तम होगा। दूसरा, जैसे वृषभ राशि है तो वृषभ राशि के लिए सबसे उत्तम है कि अगर कोकोनट की बर्फी ले लें और उससे मुंह मीठा कराएं, क्योंकि यहाँ देखिए सारी चीजों का हम जिक्र कर रहे हैं, हम भोग के, जैसे मेरे भाई ने बोला बहुत अच्छी बात बोली, खीर बना के अब खिलाएं क्योंकि सर्वोत्तम माना गया, क्योंकि महादेव को भी खीर बहुत पसंद है, तो खीर मुंह मीठा करा सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। तीसरा, मिथुन राशि, मिथुन राशि के जातकों के लिए सबसे उत्तम समय है क्योंकि बुध आदित्य योग भी चल रहा है इस समय में, तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके भाई की राशि मिथुन राशि है तो हरे रंग का धागा बांधे, साथ ही यहाँ पर हरी मिठाई खिलाएं, जैसे
परमल की मिठाई आती है या हरी मिठाइयां और बहुत सी मिलती हैं, आप उनसे उनका मुंह मीठा करा सकती हैं, क्योंकि इसकी महत्ता बहुत है, मीठा कराने की महत्ता बहुत अधिक है, क्योंकि आप मन को प्रसन्न करने के लिए मीठा खाते हैं और जो मीठा आप खिला रहे हैं वही आपके ग्रह को प्रभावित करता है। कि जैसे मैंने कहा गुड़, तो ये मंगल को प्रभावित करता है, जहां आपने खीर खिलाई या सफेद वस्तु का भोग दिया तो वहां चंद्रमा को बलि करता है। तो इसी तरह से इन चीजों का अगर आप ध्यान देंगे तो विशेषतः लाभ मिलेगा ही। बिल्कुल संजय जी, आगे देखो मिथुन राशि तक आपने बताई और मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखो ब्रह्मा विष्णु और महेश, आप देखें कि जो सृष्टि के निर्माता हैं वो ब्रह्मा हैं और वो बिल्कुल श्वेत हैं। भगवान विष्णु जो है पीताम्बर हैं और भगवान शिव को जो हम कहते हैं कि भाई वाघाम्बरंगे, क्योंकि वाघाम्बर मतलब व्हाइट कलर पहने हुए हैं। तो क्या है कि ये जो प्रयोग है राखी का या राशि के हिसाब से तो अवश्य करना चाहिए, पर जो प्रकृति के रंग हैं उनका इस्तेमाल भी हमें करना चाहिए। और मैं आगे की राशियों का आपको बताता हूँ। कर्क राशि का जो स्वामी होता है चंद्रमा होता है, और चंद्रमा को जो सबसे प्रिय है वो चांदी की राखी होनी चाहिए, क्योंकि चांदी जो है चंद्रमा को सबसे प्रिय है। अगर व्हाइट चांदी का कुछ सिक्का या कोई चीज अगर दे दी जाए साथ में, या व्हाइट रंग की राशि राखी बांध दी जाए तो वो सबसे अच्छी रहती है। और कहते हैं कि राखी के त्योहार में प्रसन्न रहना चाहिए और अपनी आत्मा से मन से प्रसन्न रहे। जैसा कहा गया कि स्वच्छता जरूरी है, उसी प्रकार से प्रसन्नता भी जरूरी है। उसका सिंह राशि जो है वो सूर्य की राशि है और सूर्य के अंदर आप देखें कि आभा प्रभा शोभा तप और तेज सब आता है, और सबसे पहले सूर्य की आभा आती है तो लालिमा आती है, तो पिंक कलर की राखी का प्रयोग करें या ऑरेंज कलर की राखी का प्रयोग करें तो बड़ा अच्छा रहेगा, परंतु सूर्य मंत्र का जाप भी कर सकते हैं उस वक्त। उसके पश्चात कन्या राशि को जो प्रिय है वो ग्रीन कलर है, और ग्रीन कलर का प्रयोग जो है कन्या राशि वालों को करना चाहिए, ये बड़ा उत्तम रहेगा। और हरे रंग का धागा अगर उनके हाथ में बंधा रहेगा तो उनके जीवन में मानसिक शांति भी काफी ज्यादा आएगी। जो कलर आपका प्रिय कलर है अगर आप उसको पहनते हैं तो आपके जीवन में सुख शांति आती है। और मैं ये कहूंगा श्रावण जो मास है या रक्षाबंधन के एक महीने तक कोशिश करें जो भी धागा बांधें, रक्षा सूत्र बांधें, उसको कभी भी ना खोलें, क्योंकि ये हमारा परंपरा है हमारे जीवन के अंदर। जब तक खुद ना टूट जाए तब तक जो है उतार के ना रखें, और रक्षा सूत्र जो है आपके जीवन में प्रसन्नता देता है। बिल्कुल प्रतीक जी, जल्दी से तुला वृश्चिक और धनु की बात कर लेते हैं। तो तुला राशि वालों, शुक्र से प्रभावित लोग हैं तुला लग्न और तुला राशि वालों, तो निश्चित तौर पर सफेद व्हाइट कलर की राखी, क्रीम बीस कलर की राखी, ये सब राखियां आपके लिए शुभ रहेंगी। इसी से संबंधित मिठाई भी भाई बहन को खिलाएं, लाभ मिलेगा। और इसी से संबंधित कपड़ा सर पर रखें जब राखी बांध रहे हैं और उत्तर पूर्व की दिशा देखें। अब बात कर लेते हैं जल्दी से वृश्चिक राशि वालों की। रेड कलर की राखी, केसरिया कलर की राखी या ऑरेंज कलर की राखी आपको लाभ देगी। इसी से संबंधित मिठाई जैसा कि गुड़, सोहन पापड़ी, बेसन के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू, ये आपको लाभकारी रहेंगे। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। येलो कलर, पीला कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर, व्हाइट कलर, ये रंग की राखियां आप बांध सकते हैं। इन्हीं से संबंधित मिठाई खिलाइए। निश्चित तौर पर क्योंकि बृहस्पति आपकी लग्न और राशि के मालिक हैं, जो स्थायित्व के प्लैनेट हैं, तो आपके जीवन में बहन अगर कामना करे ये राखी बांधते समय तो स्थायित्व जरूर आएगा, चाहे वो धन का मामला हो, चाहे नौकरी का, चाहे स्वास्थ्य का। बिल्कुल। मकर राशि की अगर हम बात करते हैं तो मकर राशि वाले जो भी लोग हैं, क्योंकि ये शनिदेव से प्रभावित होते हैं, तो आप कोई भी पर्पल कलर या डार्क ब्लूइश कलर का आप जो है राखी बांध सकते हैं। इसके अलावा अगर हम मिठाई की बात करते हैं तो आप काले गुलाब जामुन खिला सकते हैं, या फ्रूट्स में जो है ब्लैक अंगूर आता है, आप ब्लैक अंगूर भी खिला सकते हैं। अगर हम गिफ्ट्स की बात करते हैं तो आप कुछ भी अपनी बहनों को इलेक्ट्रॉनिक्स गिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है देव का जो स्टोन होता है जिसे हम एमेथिस्ट कहते हैं, जो पर्पल कलर का आता है, अगर आपकी राखी में कहीं ना कहीं अगर एमेथिस्ट स्टोन है तो वो भी जो है आपके सिस्टर आपके ब्रदर्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एमेथिस्ट जो है हमें जीवन में हमारा बहुत ज्यादा लाभ देता है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन जो है बहुत ज्यादा इंप्रूव करता है। तो अगर कुंभ राशि की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर भी आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स गिफ्ट कर सकते हैं। आप यहां पर मिठाई में यहां भी आप काले गुलाब जामुन, काले अंगूर का प्रयोग करें, कोई भी
ब्लैक मिठाई, जैसे कि एक बर्फी भी आती है जिसके ऊपर एक हल्का सा ब्लैकिश का लेयर होता है, चॉकलेट बर्फी होती है, तो आप वो भी वहां पर चॉकलेट बर्फी जो है वो खिला सकते हैं। और फ्रूट्स में अगर कोई भी लाइक पर्पलिश कलर के कोई भी आप फ्रूट्स जो है खिला सकते हैं। इसके बाद लास्ट में जो है मीन राशि की अगर हम बात करें तो येलो रंग का पतीसा आप खिला सकते हैं अपने सिस्टर्स को, और येलो कलर के कपड़े जो है अपने सिस्टर्स को आप गिफ्ट कर सकते हैं एज अ राखी गिफ्ट, और आप कुछ गोल्ड भी जो है गिफ्ट कर सकते हैं, पर गोल्ड बहुत ज्यादा प्योर गोल्ड ना हो, क्योंकि उससे कई बार ये भी बोलते हैं कि जो सिस्टर्स का, क्योंकि गोल्ड जो होता है सोने को थोड़ा सा गर्म माना जाता है, तो कई बार यू नो बिहेवियर में थोड़ा सा उग्रता लाता है। इसके अलावा आप राखी पर 3 नॉट्स जरूर बांधे, ब्रह्मा विष्णु महेश की, जो भी आप अपने जब भी अपने भाइयों को राखी बांध रहे हैं। वाह, आपने बहुत अच्छी बात बताई लास्ट में वान्या जी, कि ये 3 गांठ जो है उसके मायने क्या है और किस तरह से वो आपको शुभता देते हैं, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। जेपी सिंह जी बने हुए हैं। जेपी सिंह जी, हमने बहुत तरह की बातें सुनी, हमने चांदी की राखी की बात सुनी, हमने एमेथिस्ट की बात सुनी, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो शायद ये अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए अगर मात्र एक मौली बांध दी जाए तो काफी नहीं है? बहुत उत्तम। देखिए, मैं आपके ज्ञान को नमन करता हूँ कि देखिए आप ब्राह्मण हैं इसलिए नहीं, क्योंकि आप बिल्कुल उस जन सामान्य के लिए सोच रही हैं जो वाकई में ही नहीं अफोर्ड कर सकता या नहीं ला सकता है। तो बहुत शुद्धता के साथ अगर आप मन वचन कर्म से शुद्ध होकर आप प्रार्थना कर रहे हैं और उसमें आप मौली ही बांध रहे हैं, तो उससे उत्तम कुछ नहीं होगा। बहुत उत्तम बात आपने कही और ये जन साधारण के लिए बहुत लाभकारी। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और राखी के इस विशेष कार्यक्रम में गुड न्यूज टुडे के तमाम दर्शकों को शुभकामनाएं देने के लिए। तो एक बार फिर से आप सभी को राखी की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका दिन शुभ हो, आपके भाई और बहन के बीच जो ये अटूट प्रेम है वो सदा यूं ही बना रहे। इसी के साथ इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही, देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।